गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बना रही हूँ सोया मेथी मूंग की दाल। तो मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है। इसको मैंने नीम गर्म पानी से 1-1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसके बाद मैंने इसको ड्राई करके रख लिया है। और इसके लिए चाहिए मुझे लहसुन। मैंने 3 जवे लहसुन लिए, इसको बारीक काट लिया है। और मेरे पास है गोल वाली ड्राई मिर्चें, इसको मैंने बीच में से काट लिया है। और कुछ हरी मिर्चें हैं जो मैंने काट के रखी हुई है। नमक लेंगे हम अपने टेस्ट के हिसाब से। ये मेरे पास डब्बे वाली सोया मेथी है, इनको मैंने अच्छे से साफ़ करके धो के और रख लिया है। अगर आपके पास जो है फ्रेश वाली है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मुझे ऑयल चाहिए, ये 1/2 कप से कम है क्योंकि ऑयल इसमें थोड़ा सा कम जाता है। और इसमें स्पाइस कम है लेकिन बड़ी टेस्टी होती है, तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पैन गर्म हो गया है, इसमें मैं डालूँगी ऑयल। और ऑयल डालने के बाद मैं इसमें लहसुन डालूंगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत टेस्टी दाल बनती है। एक तो कम मसाले हैं इसमें लेकिन अच्छी बनती है, तो ज़रूर बना के आप बताइएगा मुझे। तो इसमें मैंने लहसुन काट के डाल दिया है और इसके बाद मैं इसको गोल्डन ब्राउन करूँगी। हमारा लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूँगी दाल। और दाल डालने के बाद जितने भी स्पाइस मसाले जो भी हैं वो हम इसमें एक साथ डाल देंगे। तो दाल मैंने डाल दी है और अब मैं इसमें डालूंगी अपनी मिर्चें। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सोया मेथी और नमक। पानी जो है इसमें 1/2 कप जाएगा क्योंकि दाल, आपको पता है मैंने बताया था कि मैंने इसको 1 से 1.5 घंटा भिगो के रखी थी नीम गर्म पानी में, तो हमारी दाल ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। और दम पे मैं इसको 5 मिनट ही रखूँगी, तो 5 मिनट में अच्छे से ये हमारी दम आ जाएगी। तो मैं पानी डालूँगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो ये दाल देखें मैंने मिक्स कर दिए, मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा है तो मैं और डालूँगी थोड़ा सा। तो टोटल इसमें 1/2 कप पानी गया है। उसके बाद जो है मैं इसको पानी खुश करने तक पकाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको कहाँ दम लगा है। तो चलें पानी खुश कर लेते हैं इसका। और ये देखें इसका पानी खुश हो गया है। इस टाइम पर मैं इसको अच्छे से दम लगा दूंगी और 5 मिनट बाद मैं इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। यह है इसकी फाइनल लुक, जरूर ट्राई करके देखिएगा। अल्लाह हाफिज।